हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आप सबको अपने इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे इंड्रेस हाउसर फ्लो मीटर है, यानी इसको लेवल ट्रांसमीटर भी बोलते हैं, लेवल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। इसको ओपन करेंगे और सारे पार्ट्स को आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स लगी हुई है। इससे क्या होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मीन्स आपके पास अगर ये इंस्ट्रूमेंट है और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन आप आराम से निकाल सकते हैं और उसको कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम जो आती है मैं उसको भी डिस्कस करूंगा इस वीडियो में और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, बात वही होगी जो आप चाहेंगे, मोदी जी तो हूं नहीं कि मन की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर ये फ्लो मीटर को देखेंगे तो आप इस टाइप का फ्लो मीटर दिखता है, ठीक है। जैसे ये इसका स्क्रीन है और इसका कुछ बटन्स है जिससे हम लोग इसमें कुछ भी सेटिंग करना होता है तो सेटिंग करते हैं। और जो ये सेंसर है, मेन इसका ये सेंसर है। और यहाँ पे अंदर ओपन करने से पहले इसका नेम प्लेट को हम लोग पहले से देख लेते थोड़ा सा कि क्या इसके नेम प्लेट पे दिया गया है। तो जैसे मैं ये कंपनी का नाम दिया है तो दिख ही रहा है, ऑर्डर नंबर दिया, सीरियल नंबर दिया है। और यहाँ पे जो आपको दे रहा है टू वायर का ये जो फ्लो मीटर है या लेवल इंस्ट्रूमेंट है जो आप कहेंगे इसको, वो टू वायर का है। मीन्स टू वायर का मतलब ये होता है कि उसी से आपको पावर सप्लाई भी देता है और उसी से आपको इसका सिग्नल भी मिल जाएगा, मतलब क्या फ्लो आ रहा है परसेंटेज में या एनालॉग जो भी डिजिटल में आना हो उसके लिए। और जो यहाँ पे है 4 to 20 मिली एम्पियर, आप इसका चेक कर सकते हैं आउटपुट का जो रहता है, ठीक है। तो इसके बाद से ये वायरिंग के लिए दिया है कि वायर आप डाल के वायरिंग करना रहता है। इसका जो वायरिंग होता है अंदर की तरफ वायरिंग किया जाता है, दो साइड से दिया है, दोनों वायर एक डमी कर दिया गया। इसको खोलने के लिए आपको यहाँ से सिंपली प्रेस करके यहाँ पे ओपन कर देना है, जिससे क्या होता है कि ये खुलने लगता है। ये खुलेगा, उसके बाद से आपको क्या है कि ये है गया जो पहले बताया, ये डिस्प्ले है जो आपको यहाँ पे प्रेस करेंगे तो निकल जाता है। और ये कनेक्ट रहता है, जो टर्मिनेशन है उसको यहाँ से टर्मिनेशन किया जाता है। और उसको ओपन करने के लिए जो ये स्क्रू ड्राइवर आपको दिख रहा है उसको ओपन करके तो ये निकल जाएगा और यहाँ पे टर्मिनेशन दिख जाएगा। वो अभी चीज़ें आपको हम दिखाने वाले हैं। साथ ही में ये देख रहे हैं कि कनेक्ट है पीसीबी से, ये वायर के थ्रू मेल और फीमेल कनेक्टर के थ्रू डिस्प्ले कनेक्ट है यहाँ पे। फिर इसको ओपन करना हो, अगर इस वायर को आपको इस सेंसर को निकालना है या इसमें कुछ देखना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो स्क्रू है इसको दोनों को ओपन करेंगे और ऊपर के तरफ उठाएंगे तो ये उठ जाता है। अब इसके आगे क्या है तो मैं आपको पूरा ओपन कर करके एक एक चीज़ को दिखाता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे ऑन साइट काम करने वाले हैं, इसलिए इसका पावर कनेक्शन को हम लोग पहले बंद कर देंगे या कनेक्शन जो भी है उसको निकाल कर टेप अच्छे तरीके से मार देंगे। और ये हम लोग देखेंगे वर्किंग कंडीशन में है और इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी वो लास्ट में आपको बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन क्या करने वाले हैं हम लोग ये भी बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। इसका कनेक्शन सबसे पहले खोल देते हैं। कनेक्शन खोलने के बाद से क्या करेंगे, टेप मार लेंगे पहले, ये याद रखेंगे। और ओपन करने के बाद से एक एक पार्ट्स को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। टर्मिनेशन ओपन करने के बाद से यहाँ पे दो स्क्रू आपको दिख जाएगा और उसको ओपन करेंगे तो हम इसके अंदर का पीसीबी जो है उसको देख पाएंगे और इसके अंदर क्या क्या है वो चीज़ों को देख लेंगे। जैसे ओपन कर लिया तो देखिए एकदम न्यू है, तो इसमें अभी आपको क्या है कि पीसीबी दिख रहा है और साथ ही में इसके साथ में एक पेपर दिख रहा है जिसमें इसका क्या दिया गया है ये भी हम लोग देख लेते हैं। देख रहे हैं कि ये पीसीबी अलग अंदर लगा हुआ है और ये सेंसर को अलग मैं निकाल दिया हूँ पहले ही, तो इसलिए आपको नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो ड्राइंग दिया हुआ है और यहाँ पे कैसे आपको इसमें पैरामीटर सेटिंग करना है ये सब बताया हुआ है। तो फिलहाल में इस चीज़ों को हम लोग बाद में देख लेंगे। और आपके पास रहेगा अगर है ये इंस्ट्रूमेंट तो आपके पास भी ये ड्राइंग मिल जाएगा आपके साथ में। तो ये टर्मिनेशन हो गया और ये का सेंसर हो गया। तो देखिए सब चीज़ों को अलग अलग कैसे किए हैं इस चीज़ों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये सेंसर लगा रहता है और यहाँ पे एलेंकिट के थ्रू टाइट किया जाता है और उससे पहले यहाँ पे मेल और फीमेल कनेक्टर रहता है, जिसमें सेंसर में मेल और फीमेल कनेक्टर रहने की वजह से कनेक्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सारे अलग चीज़ है ना, ये जो है हमारा सेंसर है और ये है जो पीसीबी है इसका, ठीक है। पीसीबी डिज़ाइन जो भी किया जाता है, पीसीबी वायरिंग इसमें है और यहाँ पे आपको अंदर जैसे ओपन किया मैंने वहाँ से दिख रहा है जैसे कनेक्शन ए टू जेड किया गया है उसके, तो उसका ये दिया गया है पूरा यहाँ पे डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्ले रहता है ऊपर, जैसे फर्स्ट में ही आपने देख लिया होगा।
तो ये सब डिटेल दिया। ये वायर है और ये देखिए कि सेंसर से कनेक्ट होकर जाता है। ये क्या है कि फीमेल कनेक्टर है, ये किस में का है देखिए, ये पीसीबी किस में कनेक्ट होगा, ये जो हमारा सेंसर है उसमें कनेक्ट होगा। यहाँ पे क्या है देख रहे हैं कि मेल कनेक्टर है, उसको कनेक्ट करके अंडर जैसे में आपको क्या करना है फिट कर देना है। यही मेन है सेंसर ही, यही सेंस करता है हमारे लेबल को कि क्या लेबल है। और यहाँ पे देखिए कि इसमें क्या है कि पानी घुस गया था, पानी घुस जाने की वजह से क्या हो गया था कि इसमें मेल फीमेल कनेक्टर अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, जिससे आपको रीडिंग सही नहीं बता रहा था। ये टर्मिनेशन है, मैंने आपको पहले ही इस टर्मिनेशन के बारे में बता दिया था। तो एक्चुअल में इसमें जो प्रॉब्लम हो रहा था ये था कि पानी जाने की वजह से इसके अंदर ये जो रीडिंग बता रहा था गलत रीडिंग बता रहा था। ये डिस्प्ले में पूरा रीडिंग बता रहा था कि क्या एरर आ रहा है क्या एरर नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोगों को पानी से बचा के रखना है बाहर की तरह से। ये पैकिंग हम लगाएंगे भी उस टाइम में भी क्या होता है कि अच्छे तरीके से ना लगा रहता है, जिसकी वजह से पानी इसके अंदर चला जाता है, और पानी चला जाता है तो ये सेंसर डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। और टर्मिनेशन पे तो मान लीजिए कि पानी जाएगा तो वो शॉर्ट भी होने के चांस रहेगा। तो इसको क्या है कि ये फील्ड में लगा रहता है, तो इसको जितना भी पानी से आप बचा सके उतना ही बेटर रहेगा। तो कुछ हमेशा कोशिश करिए कि इसमें किसी तरह से कैसे भी पानी इसके अंदर ना जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले।